तोरे से अच्छे तो अर्चना देशमुख है, हमको ज्यादा प्यार दी तोरे से। का तू हमरी तुलना उस सुसरी के साथ कर रहा है? हाँ कर रहे हैं, वो जननी है हमरी और सगी होने का फर्ज उन्हीं भाई है। वाह बिटुआ वाह, हमारे सारे एहसानों का ये बदला दिया है तू। अरे हम तो को और तोरी माई को अपने घर में रहने की जगह दिए, तो का बाप की तरह प्यार दिए। अरे हमका प्यार और इज्जत देने की बजाय तुम हम पर से भरोसा ही उठ गया तेरा। और आज जब तेरा अपना परिवार तेरे सामने आया तो तू तू हमें हमें भूल गया। अरे वो मानव कितनी बार हमें बेइज्जत किया, तो के पास मौका भी था उसे बदला लेने का, उन्हें कुछ नहीं किया। तू तब भी हमें बुरा समझता था, तू आज भी हमें हमें बुरा समझता है। जब तू जेल गया था ना तो तेरे वास्ते वकील हम लेकर आए थे। अरे तेरे को छुड़ाने का कितना कोशिश किया था हमने, फिर भी तू हमें 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 गलत समझ रहा है। देख देख बिटुआ बिटुआ, तू जानता हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तू अपने उस सगे बाप को मार दे। जान ले ले वो मानव की। पिस्टू नहीं, अरे, पिस्टू। अरे उसने तेरे वास्ते क्या किया बिटुआ? कौन बाप अपने सगे बेटे को जेल भेजना चाहता है? बिटुआ तू भले ही हमारे बारे में कुछ भी सोच, लेकिन हम तो हमेशा तेरा भला सोचते हैं बिटुआ। हम चाहता हूँ कि तू बाहुबली बने, तेरा भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, और तू हमारे बारे में ऐसा गलत सोच रहा है बिटुआ। लेकिन उससे पहले तुझे उनको सबक सिखाना होगा कि बाबा वो अर्चना देशमुख रोजे मिलने आती थी हमको। वाह, उसका रोज का मिलना, तेरे को खाना खिलाने का नाटक करना, वो सब तेरे लिए मायने रखता है। लेकिन तेरी ये माँ, ये भाई जिसने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, वो तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, अगर हम तेरे कुछ नहीं है तो ले ये बंदूक ले और हमको मार दे। ये मार दे, मार दे हमको, मार दे हम दोनों का, मार दे मार दे। बाबा शांत हो जाइए बाबा। नहीं विष्णु, विष्णु हमसे गलती होगी बाबा, हम तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे बाबा। हम मेरा मतलब ये नहीं था। हम जानते हैं बिटुआ, तू हम पर गोली नहीं चला सकता, क्योंकि तू जानता है कि हमने तेरे लिए कहाँ कहाँ किया है। अरे बिटुआ वो मानव हम दोनों का दुश्मन है। अरे उसने हमारे सब किए कराए पे पानी फेर दिया। लेकिन बात सुन, हर तो हमको प्यार करता है, हमारी इज्जत करता है, उससे बड़ा बदला लेगा, जाके उनको मार दे बेटा, मार दे उनको। आज तुझे ये साबित करना है कि तेरा बाप कौन है, वो मानव या हम। तुझे साबित करे बेटा। नहीं विष्णु, विष्णु तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये का फैसला हम बहुत ही पहले कर चुके हैं बाबा। चला गया, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कैसे इंसान हो तुम, क्यों विष्णु की जिंदगी लेने पर तुले हुए हो? वो अभी अभी जेल से छूटा है, क्यों उसे जेल में वापस डालना चाहते हो तुम? जाकर उसे रोको। पागल मत बन, वो हमरा बेटा है, हमरा। अरे तूने तो उसे बचपन में सिर्फ चुराया था, लेकिन उसे पाल पोस कर हमने बड़ा किया। आज हम भी देखता हूँ कि पालने वाला बड़ा होता है या जन्म देने वाला। अगर आज उसने मानव को मार दिया तो ये बात साबित हो जाएगी कि वो किसे अपना बाप मानता है और किसे नहीं। अच्छा क्या पाठ, अर्चना और मानव अभी बाहर गए, बीच रास्ते में होंगे, आएंगे थोड़ी देर में। थैंक यू।
कैसी है पूर्वी? मैं ठीक हूँ। अच्छा मेरे बारे में भी तो पूछ, मैं कैसी हूँ? मैं सनी के घर में क्या क्या कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ वहां पे, तूने कुछ भी नहीं पूछा। खैर मुझे पता है तू नहीं पूछेगी, चल मैं ही बता देती हूँ। सनी के यहाँ पे इतने टाइम से रह रही हूँ, अब तो बहुत मजा आ रहा है। और तुझे पता है मैं ना उनकी दुकान भी संभालने लगी हूँ, बहुत अच्छे से काम करती हूँ मैं। अरे ऑनर, पूर्वी, आज ही आप लोग सब कब आए? हे बेबी आ गया, आओ मौसी के पास आ जाओ। बाद में? हाँ हाँ बाद में। आप लोग कब आए? बस अभी आए, कोई खास वजह नहीं थी आने की, लेकिन बस ऐसे ही सोचा कि आप सब लोगों से आके मिल ले। और बच्ची को भी देख लें। और हम सोच रहे थे कि मैं सोच रहा था कि चेकअप भी कर लूंगा कि तुम्हारी और बच्चे की तबीयत ठीक है कि नहीं। वेल, हम लोग दोनों बिल्कुल ठीक है। वैसे अच्छा हुआ आप लोग दोनों आए, मुझे अच्छा लगा। अरे 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 अरे, रो क्यों रहा है? भूख लगी होगी, देख देख देख, भूखी होगी वो। हाँ जी अभी पिया था। ओवी? हाँ पूर्वी, ध्यान से हाँ। अरे पूर्वी, तुम्हारे हाथों में ही आते चुप होगी है ना? क्या कहूं मैं तुमसे, तुम्हारे प्यार ने तो मुझे कुछ कहने के लायक ही नहीं छोड़ा है। अपना बच्चा, अपनी जिंदगी तुमने ओवी के हवाले कर दी। तुम इतनी निस्वार्थ कैसे हो सकती हो मिष्टी? मैं जानता हूं कि तुम अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही हो, लेकिन तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना ही होगा मिष्टी। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। सनी एक मिनट होल्ड कर, सनी का फोन पे बात कर। कट, तुमने फोन कट कर दिया? इतनी मेहनत करके छुप छुप के यहाँ तक आया हो फोन लेकर ताकि तुम सनी से बात कर सको? हाँ, क्योंकि मुझे उससे बात नहीं करनी। पर क्यों नहीं करनी है? एक बार बात करने से थोड़ी तुम दोनों की शादी टूट जाएगी। और मैं हूँ ना, मम्मी और मासी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, उन्हें नहीं पता चलेगा, मुझे तो अपने आप को पता चलेगा ना कि मैं चीट कर रही हूँ। ना मैं अपने आप को चीट करना चाहती हूँ ना उन दोनों को। अरे फोन पे बात करने का आइडिया तुम्हारा था है ना, तुम्हारा ही होगा। उसे अगर पता होता कि तुम फोन पे बात करवाने वाले हो ना, खुद ही फोन काट देता वो। देखो फ्रैंकली, मैं तुम्हें ऐसे हालत में नहीं देख सकता, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और मैं एक चीज जानता हूँ कि ऐसी हालत में सिर्फ एक इंसान है जो तुम्हें खुश रख सकता है, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान ला सकता है, जो तुम्हें अच्छा महसूस करवा सकता है, और वो है मेरा भाई सनी। बस इसीलिए मैंने ये किया। और जिग्नेश, मुझे पता है मुझे सनी की बहुत जरूरत है इस समय। मैं अपनी आजी और तुम्हारी मम्मी की शर्त के अगेंस्ट नहीं जा सकती।
तुम मत जाओ उनके अगेंस्ट। मैं हूं ना, मुझसे बात कर, सनी से मत बात कर। मैं सनी से कम हूं क्या? जब भी तुम्हारा मूड ऑफ हो मुझे बुलाया करो, मैं तुम्हारा मूड ठीक करूंगा। मैं भी लड़कियों को इंप्रेस कर सकता हूँ, मैं भी मूड ठीक कर सकता हूँ। उल्टा पहन लिया, सॉरी, बट ओनली रजनीकांत कैन डू इट, आई एम नॉट रजनीकांत। क्या हुआ मिश्री? मिश्री यहाँ देखो मेरी तरफ देखो। मिश्री हमारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, तो तुमने बस बुरा सपना देखा होगा मिश्री। मिस्टी हमारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें प्लीज प्लीज आप एक बार अर्जुन और रवि को फोन करके पूछिए ना कि वो कैसी है। मिस्टी रात के 1 बज रहे हैं, मैं इतनी रात को कैसे फोन कर सकता हूँ? उन्हें प्लीज आप एक बार फोन कर लीजिए, अगर अगर उसको सच में कुछ हो गया होगा तो। मिस्टी अगर उसे कुछ हो गया होगा तो उसके पेरेंट्स हैं उसकी देखभाल करने के लिए। देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है और मेरे लिए भी, लेकिन मिस्टी लेकिन तुम ये सब करके बस अपनी हेल्थ खराब करोगे मिस्टी, और कुछ नहीं। देखिए मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन लेकिन उन्हें प्लीज एक बार फोन कर लीजिए, मैं तो बहुत घबरा रहा हूँ उन्हें प्लीज। हेलो अर्जुन, आई एम सॉरी मैंने तुमको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, और बोलो ना। मुझे सिर्फ इतना बताना था कि ओवी को पोस्ट प्रेगनेंसी दवाई लेनी पड़ेगी, तो बस इसलिए फोन किया था। तो तुम कल उसे हॉस्पिटल लेके आ रहे हो ना? हाँ हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली मैं ले आता हूँ। ओके सॉरी वंस अगेन, तुम लोग सो गए होंगे ना? नो, हम लोग सोए नहीं थे, वो एक्चुअली बेबी को अभी सुलाया है तो हम सोने जा रहे थे। ओह ओके ओके ऑलराइट ठीक है, तो मैं तुम्हें कल मिलता हूँ फिर हॉस्पिटल में ओवी के साथ। श्योर डेफिनेटली ओके बाय। अर्जुन ने क्या कहा? हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है। I'm really sorry. मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। मैं क्या करूँ? मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची के बिना रहना मेरे लिए इतना मुश्किल होगा। I'm really sorry, उन्हें। सो जाओगे। मिस्टी तुम चिंता मत करो दोस्त बनकर ही सही, लेकिन तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में मैं तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। बुरे हालातों के साथ लड़ने का हौसला दूंगा, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। La la la.
क्या हो गया? अभी तो सोई थी। बी? ये क्यों रो रही है इतना? क्या हो गया इसे? भूख तो नहीं लगी? नहीं, अर्जुन थोड़ी देर पहले इसने दूध पिया था। से काम करो, वो पालने में सुना दी। हाँ, एक सेकंड। आराम से। वो क्या हो रहा है इसे? इतना रो क्यों रही है ये? पता नहीं। मैं आज ही को उठाऊं? नहीं नहीं, सब सो रहे होंगे अभी। अच्छा अच्छा, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। हाँ। पापा, मेरी लाइफ इससे ज्यादा परफेक्ट और ब्यूटीफुल नहीं हो सकती थी। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल है। मैं जो चाहती थी आज वो सब कुछ मेरे पास है। अर्जुन जैसा हस्बैंड, मेरी प्यारी सी बेटी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज पापा, मेरी लाइफ इसी तरह बना के रखना। तुम बहुत सही फैसला किए हो बिटुआ। मैं मानता हूँ ये फैसला लेना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल था, पर देर से सही सही फैसला लिए हो। मानव देशमुख के लिए तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। हमका ही करना ही होगा बाबा। हाँ, और ये कैसे करना है ये हम तुमको समझाते हैं। आज वो जेल से छूटने वाला है। आज उसकी परीक्षा है। एक तरफ आप और मैं, और दूसरी तरफ वर्षा और बालन। पता नहीं वो किसके साथ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे पास ही आएगा। मानव, मैं चाहती हूँ कि सोम हमारे पास है। किसी भी तरह हमारा बच्चा हमारे साथ रहे। ये मेरा विश्वास है, वो हमारे साथ ही आए। बोलिए चले। पापा प्लीज, मेरे सोम को मेरे पास ले आइए।